नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जायका फॉर यू टिप्स एंड ट्रिक्स में। दादी माँ के 30 घरेलू नुस्खे आपके बहुत काम आएंगे, महिलाएं समय निकालकर जरूर सुने। नंबर एक, दूध में केला मिलाकर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर दो, अंजीर का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि ये वजन कम करने, पाचन बेहतर करने, कब्ज से राहत और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ ही कई बीमारियों का रामबाण इलाज है। नंबर तीन, गुड़ के चावल खाने से कभी खांसी और गले में खराश जैसी दिक्कत नहीं होती। नंबर चार, शैम्पू नहीं शैम्पू को लगाने का तरीका बदलना है। आपके बाल इतने घने और लंबे हो जाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। एक बाउल में एक चम्मच चाय पत्ती, एक चम्मच मेथी दाना और एक कप पानी डालकर इसे 5 मिनट तक उबाल लेना है। ये जब ठंडा हो जाए तो इसे छानकर पसंदीदा शैम्पू में डालकर लगाएं, बाल लंबे हो जाएंगे। जिनके बाल झड़ते हैं और लंबे नहीं हो रहे हैं वे इसका प्रयोग ज़रूर करें। नंबर पाँच, दही के खट्टे पानी से मालिश करने से हाथ पैरों की जलन ठीक हो जाती है। नंबर छः, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप सुबह सुबह खाली पेट करेले का जूस पिएं। नंबर सात, अगर आप चेहरे से पिंपल और कील मुहासे हटाना चाहते हैं तो नीम के पत्तों को पानी में उबालकर इस पानी से चेहरे को धोएं। नंबर आठ, रोजाना सुबह 5 से 10 तुलसी के पत्तों को चबाकर खाने से मसूड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर नौ, जो लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं वे बीमारियों से बचे रहते हैं। नंबर दस, मेथी के पत्तों का साग खाने से भूख बढ़ती है। नंबर 11, चेहरे पर चमक लाने के लिए सबसे पहली बात, दिन में जितना हो सके पानी पिएं। ज़्यादा पानी पीने से चेहरे पर चमक आती है। नंबर 12, आँखों की रोशनी तेज़ करने के लिए सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आँखें खोलकर साफ पानी के छींटे मारने चाहिए। नंबर 13, अगर आपको कमज़ोरी महसूस होने लगे तो गर्म दूध में 2 खजूर डालकर पीने से शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 14, प्याज को काटकर बल्ब के साथ रखने से बरसात में होने वाले कीड़े, छिपकली और मच्छर घर में नहीं आते हैं। नंबर 15, अगर पांव में मोच आ जाए तो बर्फ से सिकाई करें, आराम मिलेगा। नंबर 16, गंजापन दूर करने के लिए धनिया का रस लगाएं, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। नंबर 17, अगर आप कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे गुर्दे जल्दी ख़राब होने का खतरा रहता है। नंबर 18, घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते लटकाने से परिवार को बुरी नज़र नहीं लगती है, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। नंबर 19, जो महिलाएं रात को सोते समय बादाम के तेल से चेहरे पर मालिश करती हैं उनका चेहरा हमेशा चमकदार बना रहता है। नंबर 20, चेहरे पर झुर्रियां हैं तो दही में गुलाब का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं, इससे आपके चेहरे की झुर्रियां कम हो जाएंगी। नंबर 21, आम ज़्यादा खा लिए हो तो हजम करने के लिए थोड़ा सा नमक का सेवन कीजिए। नंबर 22, हिचकी आने पर पुदीने के पत्ते या नींबू चाट लें। नंबर 23, जो महिलाएं नहाने के बाद गुनगुने पानी में सौंफ डालकर पीती हैं उन्हें जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है और वे कभी बीमार नहीं पड़ती हैं। नंबर 24, पानी हमेशा नीचे बैठकर धीरे धीरे घूट घूट करके पीना चाहिए। नंबर 25, जिन औरतों की उम्र 40 से 45 के बीच है उन्हें चुकंदर ज़्यादा खाना चाहिए। नंबर 26, हफ्ते में 2 दिन गर्म पानी में एलोवेरा डालकर स्टीम लेने से चेहरा ग्लोइंग बनता है। नंबर 27, संतरे के रस में नमक और काली मिर्च डालकर हर रोज़ पीने से नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है। नंबर 28, गाजर खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसे आप जूस, मुरब्बा या कच्चा किसी भी रूप में खा सकते हैं। नंबर 29, गुड़ शरीर का रक्त साफ करता है और मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। रोज़ 1 गिलास पानी या दूध के साथ गुड़ का सेवन पेट को ठंडक देता है। नंबर 30, रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 छोटा चम्मच हल्दी खाकर गुनगुना पानी पिए, इससे वज़न घटेगा और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे इन्फेक्शन और हेल्थ प्रॉब्लम का खतरा टलेगा। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।